हीरा देवी में हुए 48वीं बिहार राज्य जूनियर जोनल कबड्डी में ललन स्टील अलमीरा एवं बक्सा उद्योग। हमारे यहाँ हर प्रकार का अलमीरा, बॉक्स, पेटी थोक भाव में बेचा जाता है। पता है मेन रोड ठेपा बाजार ग्रामीण बैंक के नीचे ललन कॉम्प्लेक्स। सिवान ने सारण को 8 अंकों से हराया। जीरादेई प्रखंड मुख्यालय के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय जीरादेई के खेल मैदान में 48वीं बिहार राज्य जूनियर जोनल बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन आज रविवार को किया गया। प्राचार्य कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि कबड्डी दुनिया का प्राचीनतम खेल है जिसका जन्मदाता भारत है। कार्यक्रम का संचालन कबड्डी संघ के जिला अध्यक्ष मनोरंजन कुमार सिंह, अध्यक्षता प्राचार्य बाल कुंवर तथा धन्यवाद ज्ञापन हरिकांत सिंह ने किया। प्रतियोगिता में 8 टीम क्रमशः सिवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली के बालक व बालिका वर्ग शामिल था, जिसमें सिवान की टीम ने 8 अंक से जीत हासिल किया। इस मौके पर रामेश्वर सिंह, विशाल सिंह, सरोज सिंह राणा, लाल बाबू प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, प्राचार्य विवेकानंद तिवारी, नौल प्रसाद, जुनेद अली आदि उपस्थित थे। जिला राज्य 48वीं जोनल प्रतियोगिता हो रहा है जीरादेई आदर्श राज्य मध्य विद्यालय जीरादेई के प्रांगण में, हम लोग के सहयोग से हो रहा है। काफ़ी उत्साह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के धरती पर ऐसा सिवान में पहली बार आयोजन हो रहा है स्टेट लेवल का मैच कबड्डी का। कितनी टीमें शामिल है इस कार्यक्रम में? कितनी टीमें शामिल है? 8 टीमें शामिल है, महिला और पुरुष मिलाकर। कब तक यह कार्यक्रम चलेगा? करीब करीब चार घंटे का कार्यक्रम, 4-4.5 घंटे का कार्यक्रम है। इसके बाद कार्यक्रम के समापन पर ट्रॉफी वगैरह दिया जाएगा और जो मुख्य अतिथि हैं उनको सम्मानित वगैरह किया गया है। सारा कार्यक्रम मार्च पास्ट से लेकर इसी तरह विधिवत कार्यक्रम मैंने स्टेट जैसा होता है वैसे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। हरिकांत कुमार सिंह, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय।